जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और जितनी भी मशीन्स हैं सब हमारी SS की हैं। SS कहे तो ये हमारा क्रीम ऑइंटमेंट लोशन का सेटअप है जिसकी बैच साइज हमारा 500 करके एक सिंगल इंडिविजुअल पैक के अंदर एक मोनो कार्टन के अंदर ये लोग फिलिंग करके अपना FG फिनिश गुड रेडी कर रहे हैं। दोस्तों आपको लेकर आ चुका हूं आज एक ऐसी कंपनी में जो कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करती है स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर, जो कि जिनके साथ जुड़कर आज लोग काफी दूर दूर से लोग जुड़कर काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं और अच्छी खासी मार्जिन अर्न कर रहे हैं। आइए आज मैं पूरी जानकारी दिलाता हूँ और यहाँ के ओनर के पास लेके चलता हूँ। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? बहुत जबरदस्त सर, आज हम आपके पास आए हैं। हमारे व्यूअर्स के दर्शक के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, बेसिकली हम आए कहाँ पर, आपकी कंपनी का नाम क्या रहता है? कंपनी का नाम है सेज अपोथेकरी। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकरी मतलब दवाखाना। ये हम स्थित हैं आपका सेक्टर 37 गुरुग्राम में। फैक्ट्री का एड्रेस है 516 सेक्टर 37 गुरुग्राम पे सिटी, और यहाँ पर हम 60,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 11 कैटेगरीज हैं, 3 लाइसेंसेज हैं। अच्छा। एक है हमारा FDA ड्रग डिपार्टमेंट, आयुष आयुर्वेदिक, तीसरा है फसाई फॉर फूड एंड एडिबल न्यूट्रा प्रोडक्ट्स, यानी कि स्किन केयर के प्रोडक्ट तो है लेकिन सारे सर्टिफाइड है आपके, है ना? जी जी। और लैब टेस्टेड होते हैं सारे? लैब हमारी अपनी है, अपनी लैब है, 3 लैब्स हमारे पास हैं। अच्छा, क्या बात है। दोस्तों वीडियो में हम आपको A to Z सारे के सारे सेगमेंट वाइज चीजें दिखाने वाले हैं। सर बात करें कि लोग, मैंने सुना है बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं और दूर दूर से लोग, तो मतलब ऐसा क्या क्या आप डील करते हैं ये बताइए सर। तो हमारे पास 3 तरीके का काम करने की कार्यशाला है हमारी। एक है OEM, ODM और OPM। अच्छा, मतलब OEM होता है कि अंदर का हम माल बना के आपको देंगे सिर्फ। ODM होता है आपको डिजाइन वगैरह सब कुछ भी हम बना के देंगे। तीसरा होता है OBM कि हमने अपने ब्रांड भी बनाए हुए हैं, तो आप आइए अपने ब्रांड्स भी हमारे को एक रेफरेंस पॉइंट से लग के मिमिक कर सकते हो आप पूरे ब्रांड्स को हमारे। क्या बात है, मतलब यानी कि अगर कोई आपसे जुड़कर इस प्रोडक्ट की बिजनेस करना चाहता है तो सर उसको किन चीजों की जरूरत होगी? सर क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है? उनको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ? सब कुछ हम करके देंगे। अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि बनाएंगे हम, बेचेंगे आप। हमें बनाना आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। अच्छा? आपको आपके माध्यम से उनको फैक्ट्री देख ली, उन्होंने बनाने की पूरी कार्यशीलता देख ली कि हमें बनाना आता है। हमें बस ये चाहिए, अपने जो मार्केटिंग जो करने वाले सज्जन होंगे आपके द्वारा जो हमें मिलेंगे, उनको बस ये पता होना चाहिए कि उनको चाहिए क्या, चाहिए उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए और उनका कस्टमर बेस कौन है, क्या बात कौन है? है उनका कस्टमर जो खरीदेगा, चाहे वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो। हाँ। कि मैं शिशु के लिए बनाना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स, तो मैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स में। मैं टीनेजर्स के लिए बनाना चाहता हूँ, अडल्ट्स के लिए बनाना चाहता हूँ, यंग अडल्ट्स, ओल्ड एज अडल्ट्स को बनाना चाहता हूँ, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स उनको डिजाइन करके हमें बेसिकली एक एक्सेल फाइल हम उनको देंगे। जब आपके द्वारा वो हमें मिलेंगे, हम एक एक्सेल फाइल देंगे उनको, उसके अंदर 5 चीजें होंगी। पहला होता है प्रोडक्ट का नाम, फिर मार्केटिंग पिच, सेल्स पिच और बेंचमार्क। प्रोडक्ट का नाम हो गया सपोज अनियन हेयर ऑयल, मार्केटिंग पिच होगी आपकी हेयर फॉल कंट्रोल, डैंड्रफ कंट्रोल, हेयर रीजनरेशन के ऑयल की, ये मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है फायदे, फायदे क्या क्या देगा आपका प्रोडक्ट। सेल्स पिच होगी कि यूनिक कैसे होगा आपका प्रोडक्ट, क्या फ्रंट पे रहेगा। तो सेल्स पिच में आपने अनियन का तेल डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डाल सकते हो, चुकंदर का एक्सट्रैक्ट डलवा सकते हो, आलू का एक्सट्रैक्ट डलवा सकते हो, ये सब बड़े कार्य कुशल होते हैं डैंड्रफ के लिए। फिर होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे मैंने OBM का एग्जाम्पल दिया कि हमारे अपने ब्रांड्स हैं, वैसे आप कोई बेंचमार्क दे सकते हो मार्केट का, कोई प्रोडक्ट जो आपको काफी पसंद हो। अच्छा। उसको हम देखकर एज रेफरेंस पॉइंट रख के आपका प्रोडक्ट बना के देंगे। क्या बात है। अगर सर मैं बात करूं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, लोग अपने खुद के नाम का, अपने खुद के ब्रांड का करवाना चाहते हैं आपसे जुड़ के, जी दैट्स ऑल पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, हमारा वही काम है। अच्छा, राइट। उसके अंदर हम मटेरियल जो होता है तो क्या वो भी सारा कुछ आपका होता है? सब कुछ आपका, सिर्फ काम ऑर्डर देने का होगा। आपका ब्रांड बेसिक रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी एक बेसिक फीस होती है लाइसेंस की, वो हम आपको लेके देंगे। ठीक है, राइट। आपके पास आपका ब्रांड ओनर होने चाहिए, आपके पास Class 3 ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया में आपके पास ब्रांड खरीदा होना चाहिए आपके पास। ओके, अगर आपको नहीं मिला तो एक लॉयर हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, जो आपको ब्रांड खरीदने में हेल्प कर देगा। वो अगर आपका ब्रांड आपके पास हो गया, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपके ब्रांड के अंदर हम रजिस्टर करा देंगे। बाद में वो एक्सेल फाइल हम मांगेंगे आपसे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाने चाहते हो। MOQ होती है हमारी 2500 पीस, बिकॉज आप देख ही रहे कि वी आर वन स्टॉप शॉप, हम आपको बेस्ट पॉसिबल रेट्स देना चाहते हैं जिसमें आप बेस्ट पॉसिबल काम कर सकें। ठीक है, 2500 पीस की आपको MOQ दी जाएगी, इन्वेंटरी दी जाएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बेचने के लिए। अच्छा। आप धड़ल्ले से बेचिए, आप डिस्काउंट ऑफर दीजिए, आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करिए, जैसे मर्जी आप चाहे करिए। डिस्काउंट की बात अगर हम कर ही रहे तो सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, लोग बिजनेस करते क्यों है? करते प्रॉफिट के लिए, मार्जिन के लिए और एक अच्छी इनकम के लिए। तो उसका क्या आप स्कोप दिखाते हैं?
राइट, तो आपका जो भी एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट होगा उसके 20-30% के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका मतलब है 70-80% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो आपको ऑफ कोर्स आपको आगे रिटेलर्स को देना पड़ेगा, अपने एंड कस्टमर को डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी, एंड मेक, बिकॉज ये बिजनेस जो है ना ये साइक्लिकल होता है, रिपीट सेल्स पे होता है, एक सेल में ना आप कमाएंगे ना हम कमाएंगे, तो ये बार बार बिकेगा तभी ये प्रोडक्ट चलते हैं। अच्छा, हम जो है 400 ब्रांड बनाते हैं जिनमें कुछ व्यापार खुद भी बिक जाते हैं। अच्छा, इसका ऐसा व्यापार होता है एफएमसीजी का कि ये व्यापार भी बड़ी कंपनी आपसे खरीद सकती हैं। ठीक है, वो बात की बात है, पर आपको उतना कार्य कुशल होना पड़ेगा कि आपका ब्रांड कस्टमर मांगे। अच्छा, कस्टमर दुकान पे खड़ा होकर अगर आपका ब्रांड मांगे मतलब यू आर अ ब्रांड। ओके सर, आपसे जुड़ने के लिए अब करना क्या पड़ेगा हमारी व्यूअर्स को, जो भी आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक? बस आपके द्वारा वो जो नंबर और वो जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे वो आप उसके थ्रू आप हमें इन टच करिए, आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजिए, अपनी थोड़ी डिटेल्स डालिए कि आप किस ट्रेड से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है और किस शहर से आ रहे हैं। ठीक है, ये डाल के आप मैसेज आप करिए और आप हमसे सारी सारी हमारी टर्म शीट लीजिए, हमारी ब्रांड कैटलॉग लीजिए, हमारी ब्रांड वीडियो लीजिए, हमारी फैक्ट्री का पूरा टर्म शीट लीजिए, हमारी एक एस्पिरेशन लिस्ट दीजिए, हम भी अपनी लिस्टें देंगे आपको कि मार्केट में चल क्या रहे हैं, उनको चूज करके एक ब्रांड बाइबल दी जाएगी जिस लिस्ट के बारे में मैं बोल रहा था, एक्सेल फाइल जो आपने भर के देनी है, जिसके अंदर होगा आपका प्रोडक्ट का नाम, मार्केटिंग पिच, सेल्स पिच और बेंचमार्क, वो आपको क्लैरिटी से देनी है। जितनी क्लैरिटी से आप आएंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप उतना अच्छा एजुकेशन हमें देंगे, वही एजुकेशन कल को आपको अपने कस्टमर को भी देनी है। क्या बात है। और दोस्तों, अगर सर से और भी डिस्कस करना चाहते हैं आप इस प्रोडक्ट के ऊपर या अपने कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो डिस्कस कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा होगा उससे बात कर सकते हैं। बाकी हम सर के पूरे वेयरहाउस के हम एक बार टूर करने वाले हैं कि कैसे कैसे किस किस तरीके से मशीन से क्या काम हो रहा है पूरा दिखाने वाले सर इस वीडियो में। जी जी। तो हम एक बार ऊपर राउंड करा देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मटेरियल काफी, ये सारे मतलब जो बॉक्स पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ आप करवा देते ना जी, फिनिश गुड बना के देंगे, फिनिश गुड बना के देते हैं। बाकी ये देख सकते हैं इतने सारे सर्टिफाइड, सारे सर्टिफिकेट सर के हैं, मतलब प्रोडक्ट सारे आपके सर्टिफाइड होते हैं और पूरे लैब टेस्टेड होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आती हूं, देखिए ये पूरा का पूरा लैब रहने वाला है। हां जी मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप? मैम, ये क्या है और यहाँ पे क्या क्या काम होता है यहाँ पे? सर, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी हमारी कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन होती हैं उनको हम सेटिस्फेक्शन कराते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, और जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट की हम डेवलपमेंट करते हैं वो हम एज पर BIS स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हैं। जैसे ये क्या काम हो रहा है मैडम यहाँ पे? ये हमारा एक शुगर स्क्रब बन रहा है। ओके। जो कि हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं हम एक प्रोडक्ट की। अच्छा। सारे पैरामीटर्स को देखते हुए कि उसका विस्कोसिटी कैसा है, उसका pH कैसा है, उसके अंदर हमें क्या पार्टी ने हमको क्लेम बोला है, तो वो सब हम देखते हुए हम यहाँ पे R&D कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ओके। तो ये पूरा हमारा लैब रहता है यहाँ पे, सारे जो भी होता है सब टेस्टेड होने के बाद ही होता है। यस, जो भी होता है यहाँ पे सब BIS और ISO स्टैंडर्ड को फॉलो अप किया जाता है, उसके बाद ही हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है हम उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई करवाना चाहता है तो इसी तरीके से अपना कोई भी फ्रेग्रेंस के साथ भी अपना करवा सकते हैं। जो भी हमें, जो भी जैसा भी कराएगा, जो भी अपनी फॉर्मेलिटीज देगा, जो भी अपने क्लेम्स देगा, क्लूज देगा, हम उसको फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करने के बाद हम अपना मटेरियल डेवलप करेंगे, मतलब इन हाउस अपना सारा, हमारे पास सभी कुछ है इन हाउस, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इनक्यूबेटर्स हैं और ह्यूमिडिटी चैम्बर है, ये सभी हम फॉलो अप करते हैं। ये हमारा विस्कोमीटर है और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन देखते हैं कि कोई हमारा ऑयल सेपरेट आउट तो नहीं हो रहा है, मींस स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस सेपरेट आउट तो नहीं हो गई है। ठीक है, ये सब हम चीजें यहां पे। बाकी आप कोई भी फ्रेग्रेंस बनवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना? हाँ जी, आप कोई भी फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप करा सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो ये देख सकते पूरा का पूरा, जो भी हमारी टीम है, हमारी R&D टीम बहुत वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड है, जो हमारे हर एक पैरामीटर्स को अपने माइंड में रख के सेटअप करके सारी फॉर्मुलेशंस की R&D करती है और प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करती है। ये सर हम क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आए हैं अभी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे क्वालिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस की नीडेड होती है, लाइक एज MSDS हो गया, COA हो गया, COC हो गया, और भी अदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है पैकेजिंग मटेरियल को भी हमें, हमारा अपना आता है या कोई भी हमारी क्लाइंट देती है तो हम उसका अप्रूवल करते हैं। रॉ मटेरियल जो भी हमारे पास में प्लांट में आएगा उसकी सबसे पहले हमारी टीम QC टीम हमारी उसको इंस्पेक्ट करेगी, उसको चेक करेगी, उसकी टेस्टिंग करेगी, उसके बाद अप्रूवल देती है फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अपना पूरा QC चेक रहता है अपना। या ये हमारा QC चेक है और ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे PM कंट्रोल्स रखे हैं, RM सैंपल कंट्रोल सैंपल्स रखे हैं, और ये साथ में हमारी एक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है
जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टिंग करते हैं, हैवी मेटल्स की टेस्टिंग करते हैं। ये हमारी पूरी सेटअप है हैवी मेटल टेस्टिंग के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। ये सर हम अपने प्रोडक्शन एरिया में आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारी QC टीम रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल अप्रूव कर देती है, तभी रॉ मटेरियल अप्रूव होने के बाद में हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और जितनी भी मशीन्स हैं सब हमारी SS की हैं। SS कहे तो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में हम इसलिए डेवलपमेंट कराते हैं ताकि कोई भी कोरोजन रेंसिडिटी कॉज ना हो। ओके भाई, ये देखिए ये मिक्सिंग मशीन है अपना, ये स्टरर मशीन है जो हमारी अभी वॉशिंग में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बना है तो ये वॉशिंग होगी, इसलिए इसको मशीन को बकेट के नीचे रखा है ताकि कोई भी मटेरियल है वो नीचे ना गिरे। ठीक है, ये देखिए प्लांट, ये हमारा क्रीम ऑइंटमेंट लोशन का सेटअप है जिसकी बैच साइज हमारा 500 kg है। और हम इसके अंदर जितनी भी हमारे प्लांट में हमारी मशीन हमारे प्लांट के अंदर जितनी भी क्रीम्स लोशंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम सब बनती है वो सब हम इसके अंदर बनाते हैं। क्या बात है। उसके साथ साथ हमारा जैकेटेड केटल्स है, इसमें हम अपने फेस पैक्स वगैरह हम बनाते हैं। ठीक है जी मैम, यहाँ पे क्या हो रहा है काम? ये सर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्रीम ऑइंटमेंट और जो लोशंस हमारे सब बनते हैं, फॉर्मुलेशंस होती है, उसके बाद हमारा ये मटेरियल हमारा पैकिंग में आता है। तो पैकिंग में आने के लिए हमारी ये जैसे कि आप ट्यूब देख रहे हैं, ये हमारी ट्यूब होती है, इसको हम अपना यहाँ पे चैम्बर में लगाते हैं और उसके बाद में इसमें मटेरियल होपर के थ्रू जाता है और वहाँ से पैकिंग होने के बाद यहाँ पे हमारा निकल जाता है। फिल होने के बाद ट्यूब आप देख सकते हैं, उसके बाद में इसको बैच कोडिंग करना होता है और हमें एफडी करके हम इसको डिस्पैच करा देते हैं। हम आ चुके हैं सर सोप एरिया में, जिसमें हमारी फॉर्मुलेशन भी होती है, सोप की प्रोडक्शन भी होती है और साथ में उसकी पैकेजिंग भी होती है। अच्छा जी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पैकेजिंग का काम लग रहा है जी। ये देखिए जो हमारा पहले सबसे पहले हमारा हॉपर है उधर जिसमें हमारा साबुन गलता है, बेस गलता है साबुन का, उसके बाद में हमारी ट्रेज में उसको बिछाया जाता है, उसको मेल्ट जो मेल्टेड बेस होता है उसको हम बिछाते हैं है। उसको उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद हम उसकी कटिंग करते हैं। जैसा कि ये लोग सभी कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर सोप की, हैंडमेड कटिंग होती है हमारी और हैंडमेड कटिंग एज पर पैक साइज किए करते हैं हम, उसका हमने सब कुछ सेटिंग किया हुआ है। तो उसके बाद में जब यहाँ से कटिंग हो जाता है तो हम अपना इस मशीन पे हम फ्लो बनाते हैं पैकिंग का। जैसे कि ये सभी लोग पैकिंग कर रहे हैं तो अभी हमारा ये सब पैकिंग कर रहे हैं और इसी करके एक सिंगल इंडिविजुअल पैक के अंदर एक मोनो कार्टन के अंदर ये लोग फिलिंग करके अपना FG फिनिश गुड रेडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं सर, ये हमारा यहाँ पे जार फिलिंग हो रही है, उसके साथ साथ हमारी उधर ट्यूब भी फिलिंग हो रही है। जो हमारी ट्यूब है ये हम एक थर्ड पार्टी का वर्क कर रहे हैं, उसकी फिलिंग करके उसकी पैकिंग करा रहे हैं। उसके साथ ही हमारा एक नया वर्क चल रहा है जो कि हमारा यहाँ पे क्रीम जार पैकिंग कर रहे हैं। मैम यहाँ का काम चल रहा है, नेक्स्ट सेक्शन में हम आ रहे हैं सर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे परफ्यूम्स की पैकेजिंग हो रही है, जिसमें हमारा फॉर हिम एंड फॉर हर की हम परफ्यूम की पैकेजिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर हर के लिए परफ्यूम की हम पैकेजिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 2 परफ्यूम्स हैं और हम इसको प्रॉपरली पैक्ड करने के बाद में हम इसका फॉर हिम एंड फॉर हर 2 ब्रांड्स हम लोगों का यहाँ पे पैकेजिंग। ये सर हमारा लास्ट स्टेप होती है बैच कोडिंग एरिया, जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं उसके बैच नंबर, जिसमें हमारा क्या होता है बैच नंबर होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। उसके साथ हम लोग MRP प्रिंट आउट करते हैं। इसके बाद में हमारी लास्ट स्टेप होती है पैकेजिंग की, फिनिश गुड प्रोडक्शन की हम पैक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फिनिश गुड या बैच कोडिंग होकर के सीधा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे कि आपने देख लिया हमारा इन हाउस सारी प्रोडक्शन और सारी प्लानिंग्स हमारी सिस्टमेटिकली चलती है, तो उसके लिए आप हमसे ज्वाइंट हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपके पास में हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप उस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहीं मिलेगी। उसके साथ आपको कोई भी क्वेरी होगा तो हमारी टीम के साथ आप कभी भी 24/7 आप फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू।